सो हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द वंडरिंग पाई। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त और आप लोगों का होस्ट विश्वगी बर्फी। स्वागत कर रहा हूँ आप लोगों को टक्कर बैच में। और आज हम लोग एक शानदार सा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपने पहले भी पढ़ रखा है, बट ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है ना। तो आपको इस चैप्टर के नाम से क्या याद आ रहा है? क्या आपने क्लास 8 में पढ़ा था ऐसा कुछ चैप्टर? पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2, क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आप लोगों ने इसको पूरा अच्छे से पढ़ रखा है, क्लियर है बात। तो इसका अपग्रेडेड वर्जन दैट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पढ़ाई करेंगे, मतलब सब कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं चाहता तो इस लेक्चर को बिल्कुल वन शॉट में कंप्लीट कर देता, है ना। मैं चाहता तो इस लेक्चर को वन शॉट में कंप्लीट कर देता, बट थोड़ा सा मैं आपको प्रेशर नहीं देना चाहता था। आज मैंने क्वेश्चंस भी लाए हैं करने के लिए, सो ज़्यादा प्रेशर हैंडल आप नहीं कर पाओगे, आप लोग भी छोटे छोटे बच्चे हो, है ना, इसी वजह से। ठीक है, तो देख लो लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। बेटा देखो, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं करने के लिए, है ना, बट पहले बेसिक चीज़ें हम लोग कर लें फिर सारे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाला का क्वेश्चन कब करवाओगे, है ना, कब क्विज वगैरह करवाओगे। तो मेरे को वैसे तो टाइम नहीं होता ये सब सेट करने के लिए, बट जब टाइम होता है तब मैं सेट कर लेता हूँ, है ना, जब टाइम होता है तब मैं सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बात आती है कि जो आपका बेसिक चीज़ें हैं आप लोग वो पहले सीख लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाला से, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको वादा किया है, मतलब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी नहीं, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं और 12 चैप्टर्स के अंदर से मैं आपको बोला था, मैंने आपको पिछले कई लेक्चर में बोला है कि जब हम लोग आधा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तभी हम लोग पहला वाला हमारा प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जहां पर हम लोग बस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने वाले हैं डिफरेंट ऑफ चैप्टर से। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और आगे के आधा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ऐसे करने से आपका बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि कैसा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, क्या हार्ड होगा या फिर इजी होगा। वो तो बेटा देखो आपको मैं आज बता दूंगा, है ना। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर क्लास 8 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि कैसे वो वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा खुशखबरी है कि इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स हटा दिया गया है। आई थिंक कि होगा, ठीक है, आई थिंक ये प्रीवियस एडिशंस में होगा वर्ड प्रॉब्लम, बट अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड एडिशन वो हटा दिया गया है ना। मेरे को बच्चों बता देना कि कैसे हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, ठीक है। आप लोग जहाँ से भी इसको देख रहे हो, वेबसाइट से देख रहे हो या फिर यूट्यूब से देख रहे हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन पर मेरे को बता देना कि आप लोग कैसे हो। आगे बढ़ के देखते हैं हमारा आज का कोट। आज का कोट ये कह रहा है कि The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. जो खूबसूरत सी चीज सीखने में है, ठीक है,
जब आप लोग सीखते हो उसमें खूबसूरत चीज है, वो खूबसूरत चीज ये है कि वो सीख जो आप लोग सीख रहे हो उस सीख को कोई भी आपसे ले नहीं पाएगा, ठीक है? इसीलिए पढ़ते जाओ, पढ़ाते जाओ, बढ़ते जाओ, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो, हम लोग आज जो है इंट्रोडक्शन पहले करने वाले हैं, उसके बाद रिकॉल करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस कैसे थे, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या क्या करते थे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन का जनरल फॉर्म। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, देखो जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, ठीक है? जब हम लोग वन वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, हम लोग इधर इधर जो है, इधर टू वेरिएबल होगा, इधर मैं काट देता हूँ इसको, 1 मिनट रुकना बस, इधर थोड़ा सा गलती हो गया है ना, थोड़ा सा गलती हो गया। टू वेरिएबल होगा ये वाला, मेरे को अभी नजर में आया ये। अरे भाई, ब्लैक कलर नहीं है ये वाला ब्लैक है। एक मिनट रुकना बस, मैं इसको बस मिटा देता हूँ। टू करना है बस इसको, ठीक है? बस इसको टू वेरिएबल करना है। एक मिनट रुकना, ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को स्टडी कर रहे थे, तब हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा और हाईएस्ट पावर वन होगा। यहाँ पर हम लोग पहले चैप्टर का मतलब समझेंगे, ठीक है? कि लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हम लोग आगे के स्लाइड में जानेंगे। सिमिलरली इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल ऑन आइदर साइड्स एंड दी हाईएस्ट पावर और डिग्री वन। सो यहाँ पर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, जहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल आएंगे, ठीक है? दो वेरिएबल आएंगे और उनको हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, उनके वैल्यू को, ठीक है? हम लोग रिकॉल करेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है? उनको रिकॉल करने वाले हैं, तो आपको जानना पड़ेगा कि टर्म्स किसको कहते हैं, एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं, इक्वेशंस किसको कहते हैं और लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल का मतलब क्या है। तो आपको लीनियर इक्वेशन डायरेक्ट पढ़ा नहीं सकते, जब हम लोग उसको पढ़ाएंगे आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। जब इक्वेशन को स्टडी करेंगे तब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? तब आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। 1 मिनट बस रुकना, कॉल आ रहा है। एक थोड़ा सा कॉल आ गया था, आई एम सॉरी। देखो देखो, डायरेक्ट तो लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ नहीं सकते, वहां पर वर्ड आएगा इक्वेशन। अब पूछोगे आप लोग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जब इक्वेशन का मतलब आएगा तब एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब आप लोग पूछोगे एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, जब एक्सप्रेशन का वर्ड आएगा तभी टर्म्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा, तो पूछोगे टर्म्स क्या होता है। So, इसीलिए हम लोग टर्म से शुरू करते हैं कि व्हाट आर द टर्म्स, टर्म का मतलब क्या है। टर्म का मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है, मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर टर्म का मतलब डेफिनेशन नहीं है, ठीक है? व्हेन टू और मोर नंबर्स एंड वेरिएबल्स आर कंबाइंड विथ मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन, जब दो और दो से ज्यादा नंबर और वेरिएबल कॉम्बाइन होते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन के साथ, तब उनको हम लोग बोलते हैं टर्म्स।
जैसे जैसे आपके पास एक फोर है, फोर एक नंबर है, एक्स एक वेरिएबल है, एक्स एक वेरिएबल है, उनको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम लोग उनको कॉम्बाइन कर सकें, उनको हम लोग डिवाइड करते हैं ताकि हम लोग उनको कॉम्बाइन कर सकें, ठीक है। इसीलिए इनको बोलते हैं हम लोग टर्म। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं टर्म। तो टर्म हो सकते हैं तीन प्रकार के, आप लोगों ने पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल के अंदर होता है हमारे पास ओनली वन टर्म, बाइनोमियल के अंदर होता है हमारे पास ओनली टू टर्म्स, और ट्राइनोमियल के अंदर होता है थ्री टर्म्स, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर होता है मोनोमियल जैसा वन टर्म, बाइनोमियल जैसा टू टर्म, ठीक है, ट्राइनोमियल जैसा थ्री टर्म, और पॉलिनोमियल जैसा फोर टर्म। पॉलिनोमियल के अंदर फोर टर्म, थ्री टर्म, टू टर्म्स, वन टर्म, जितने भी टर्म्स है पॉलिनोमियल के अंदर वो आते हैं, ठीक है। ओके, अभी जानेंगे एक्सप्रेशंस क्या होता है। जब टर्म समझ गए तभी एक्सप्रेशन समझेंगे। व्हेन टर्म्स आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन। बेटा देखो, इधर कॉम्बाइंड है और इधर सेपरेटेड है। कॉम्बाइन और सेपरेटेड का मतलब अलग है। कॉम्बाइन का मतलब उसको हम लोग एक पास में ला रहे हैं, एक साथ में रख रहे हैं। सेपरेशन का मतलब हम उसको दूर दूर ले जा रहे हैं, ठीक है। सेपरेशन का मतलब दूर दूर ले जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखेंगे कि इक्वेशंस क्या होता है। अच्छा, एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सपोज फोर एक्स है, सपोज फोर एक्स है, फोर एक्स प्लस एक टू लगा देंगे, तो क्या हम लोग इसको एक्सप्रेशन बोल पाएंगे? क्या हम लोग इसको एक्सप्रेशन बोल पाएंगे? बिल्कुल हाँ, एक्सप्रेशन हम लोग इसको बोल पाएंगे। अभी देखते हैं इक्वेशंस किसको कहते हैं। इक्वेशन वो टर्म होता है जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। मैथमेटिकल टर्म की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश वाला टर्म। इक्वेशन का डेफिनेशन ये होता है कि जब व्हेन एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड बाय इक्वल टू साइन, इट इज नोन एज इक्वेशन। जब एक्सप्रेशंस को हम लोग इक्वल टू साइन से सेपरेट करते हैं तब तब हम लोग इनको बोलते हैं इक्वेशन। जैसे कि 4x प्लस 2 इक्वल टू, जब थोड़ा सा लाइन जो है गलत लिखा गया है, सेपरेट नहीं होगा, ठीक है, उधर कुछ और होगा। 4x व्हेन एक्सप्रेशंस आर एडेड विद एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद एक्सप्रेशन, है ना, एंड सेपरेटेड, हाँ यही होगा साइन, यही होगा डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा जी, 4x प्लस 2 इक्वल टू कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया? ये हो गया इक्वेशन। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि लीनियर क्या होता है। मेरे को अभी याद आया कि लीनियर क्या होता है, हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में। तो बेटा लीनियर देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। जिसका हाईएस्ट डिग्री होगा वन, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा? वन होगा। अगर हम लोग हाईएस्ट डिग्री टू कर देंगे तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या? उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोल देंगे, लीनियर क्वाड्रेटिक। उसके बाद आता है क्यूबिक। अगर हम लोग यहाँ पर एक्स टू दी पावर थ्री लिखते हैं, इसका मतलब हम लोग क्यूबिक, ये क्या एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्यूबिक टर्म है, आप लोग बोल सकते हो। हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर बस हमको लीनियर के बारे में ही जानना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इक्वेशंस हैविंग हाईएस्ट पावर वन दैट आर कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इक्वेशंस हैविंग ओनली वन वेरिएबल से एक्स दैट आर ओनली कॉल्ड एज वन वेरिएबल, उसका मतलब होता है वन वेरिएबल यानी एक ही वेरिएबल। ये जरूरी नहीं है कि इक्वेशन से सिर्फ हो, यहाँ पर एक्सप्रेशन भी हो सकता है, टर्म भी हो सकता है ना। टू वेरिएबल सिमिलरली इक्वेशंस हैविंग टू वेरिएबल्स से एक्स एंड वाई, सपोज एक्स और वाई आप लोग लोगे तो उनको हम लोग बोल देंगे इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं कि इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है। बेटा इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है हम लोग समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस है शायद, उसके बाद शायद से क्वेश्चंस है, हाँ जी, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ओके, देखो देखो बेटा,
जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है? हम लोग इक्वेशन को किस एक फॉर्म में लिख सकते हैं? हम लोग इक्वेशन को एक किस फॉर्म में लिख सकते हैं? कौन बताएगा? देखो इधर लिखा गया है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सी होता है कांस्टेंट, ए बी सी होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये खतरनाक चीज हो रहा है भाई, खतरनाक चीज। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या अजीब सा हो रहा है। कांस्टेंट ठीक है, क्या होता है? सी होता है कांस्टेंट, ए और बी भी होता है कांस्टेंट। उनका वैल्यू क्या होगा? उनका वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उनका वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और एक्स ये दो तो वेरिएबल ही हैं, ये दो तो वेरिएबल ही हैं ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्टिल, जिनका वैल्यू चेंज नहीं हो, जिनका वैल्यू एक ही हो बस ठीक है। कांस्टेंट का मतलब नो चेंज इन वैल्यू, नो चेंज। अरे भाई ये का हो रहा, ये का हो रहा, नो चेंज इन वैल्यू। में जब कोई चेंज नहीं होता तो हम लोग उसी टर्म को कांस्टेंट बोलते हैं। अब ए और बी भी कांस्टेंट है, एक्स और एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल है या फिर वेरिएबल है ठीक है, वेरिएबल है एक्स और एक्स वेरिएबल, जिसका वैल्यू चेंज होता है, एनी वैल्यू ठीक है। वी कैन से दैट दीज आर एनी वैल्यू। हम लोग तो बस इसको लेट करते हैं, यानी हम लोग इसको सपोज करते हैं कि हम लोग इसको सपोज करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर वैल्यू इसका पता नहीं होता, हमको वैल्यू इसका ढूंढना पड़ता है ठीक है। एनी वैल्यू यू ई ओके, हियर ए बी एंड सी बी एनी रियल नंबर्स ठीक है। ए बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। वेयर ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, जहां पर ए और बी कभी जीरो नहीं होगा ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जहां पर ए और बी कभी जीरो नहीं होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये जो स्टेटमेंट है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझने वाले हैं कि क्यों हम लोग इसको बोलते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन के पास, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, यानी जितना सोल्यूशन आप लोग ढूंढोगे उतना निकलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम स्टेटमेंट टू इक्वेशन, फ्रॉम स्टेटमेंट टू इक्वेशन है ना, फ्रॉम स्टेटमेंट टू इक्वेशन। ओके बेटा देख देख, इन्हें वन डे इंटरनेशनल, ये क्या दिया गया है? इन्हें वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच में वन डे क्रिकेट मैच चल रहा है, वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच चल रहा है जो कि नागपुर में खेला गया था। यहाँ पर क्या हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है? क्या हमको कुछ मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन मिल रहा है? इन्फॉर्मेशन तो मिल रहा है, बट क्या ना मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है यहाँ पर? क्या हमको यहाँ पर मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन। क्या कोई नंबर है यहाँ पर? कुछ भी नंबर नहीं है, है ना, कुछ भी नंबर नहीं है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते। यहाँ पर कुछ हमको मैथमेटिकल वैल्यू दिया गया हो। यहां पर पढ़ते हैं, टू इंडियन बैट्समैन स्कोर्ड 176 रन। तो एक यहाँ पर बोला गया है कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच चल रहा था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो कि नागपुर में खेला गया था। वहां पर दो इंडियन बैट्समैन ने एक साथ
टुगेदरली 176 रन्स स्कोर किए। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसको आप लोग इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को विजुअलाइज करने की कोशिश करो। टू इंडियन बैट्समैन बोला गया है जिन्होंने 176 रन किया है, यानी कि कुछ इसने कुछ सपोज बैट्समैन, पहला बैट्समैन का नाम मैं देता हूँ ए, दूसरा बैट्समैन का नाम देता हूँ बी, ठीक है। सपोज ए ने कुछ एक्स स्कोर किया, सपोज ए ने कुछ एक्स स्कोर किया और बी ने कुछ वाई स्कोर किया, बी ने कुछ वाई स्कोर किया, हमको उनका स्कोर का वैल्यू दिया गया है। बेटा क्या हमको उस उनके स्कोर का वैल्यू दिया गया है? नहीं दिया गया है ना, नहीं दिया गया है ना वैल्यू। तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या बोला गया, टू बैट्समैन स्कोर 176 रन, यानी उनका जब वो लोग टुगेदर खेल रहे थे, मतलब इनका मिलाकर स्कोर बोला जा रहा है, यानी ए और बी का मिलाकर स्कोर। अच्छा इसको छोड़ो, ठीक है इसको छोड़ो, मैं आपको एक अलग सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है सपोज आप हो और आपका भाई है, ठीक है, आप हो और आपका भाई है, आपका एज 14 ईयर्स है और आपके भाई का एज 2 ईयर्स है, टू नहीं 5 ईयर्स है, ठीक है। सपोज आपका एज 14 ईयर्स है, आपके भाई का एज 5 ईयर्स है, ठीक है, यानी आपका यंगर भाई का एज 5 ईयर्स है। अच्छा जी, अभी क्या होगा जब आप लोग इनको ऐड करोगे, इधर आपके पास एक एज बोला गया है। अच्छा रुक जा, अभी आपके पास कोई एज नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई एज नहीं है। सपोज हम लोग आपके नहीं मैं आपको बोलता हूँ देखो, इधर आपके मम्मी बोल रही है, एक पड़ोसी को बोल रही है कि मेरे दो बेटों का एक साथ मिलाकर एज है 19, ठीक है, मिलाकर एज है 19। अच्छा यहाँ पर पड़ोसी को जिसको भी बोल रहे हैं पड़ोसी को, आपका तो एज पता नहीं है। सपोज वो आपका एज को एक्स ले लेंगे। अच्छा पड़ोसी को आपके भाई का एज पता नहीं है, सपोज आपके पड़ोसी ने उसका एज वाई ले लिया, ठीक है, उसका एज वाई ले लिया, तो पड़ोसी याद करेंगे कि आपके मम्मी ने क्या बोला था, है ना, कि आपके मम्मी ने क्या बोला था कि इन दोनों को मिलाकर जो एज है वो है 19 इयर्स, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करने लगेंगी, कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, कि आपकी एज क्या होगी और आपके भाई का एज क्या होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन को, हम स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सिमिलर चीज यहाँ पर दिया गया है बेटा, कि अगर हम लोग एक बैट्समैन का नाम ए लेंगे, ठीक है, नाम लो या फिर ना भी लो कोई बात नहीं, मैं बस एज आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। सपोज एक बैट्समैन का नाम ए लेंगे, दूसरे बैट्समैन का नाम बी लेंगे, और उनका जब हम लोग मिलन कर देंगे, उसका जब हम उनके स्कोर का एडिशन कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा टोटल स्कोर, ठीक है, हमको मिलेगा TS यानी टोटल स्कोर, ठीक है, टोटल स्कोर मिल गया हमको, मिला है क्या, नहीं मिला है। सो क्या हमको दिया गया है बैट्समैन ए का स्कोर कितना किया है, बैट्समैन ए ने कितना स्कोर किया है, बिल्कुल नहीं दिया गया हमको कि बैट्समैन ए ने कितना स्कोर किया गया, कि बैट्समैन बी ने कितना स्कोर किया गया। तो हम लोग बैट्समैन ए का स्कोर को एक्स ले लेंगे, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल का करते थे, कि हमको जो मांगा है या फिर हमको जो पता नहीं है उसकी वैल्यू को हम लोग एक्स ले लेते हैं। सिमिलरली बैट्समैन बी की स्कोर को हम लोग वाई ले लेंगे। अच्छा एक्स प्लस वाई अगर कर देंगे तो हमको टोटल स्कोर नहीं मिल जाएगा क्या, दैट इज 176।
तो क्या हम लोगों ने इसको स्टेटमेंट से इक्वेशन के फॉर्म में दिखा दिया? क्या हम लोगों ने इसको स्टेटमेंट से इक्वेशन के फॉर्म में दिखा दिया? मेरे को कौन बोलेगा बेटा, कौन बोलेगा? बोलो तो सही मेरे को कि क्या हम लोगों ने दिखा दिया इसको? क्या हम लोग सक्सेस रहे हमारे काम के अंदर? क्या हम लोग सक्सेस अचीव किया? बोलो तो कि क्या हम लोगों ने सक्सेस अचीव किया? कि हमको मिल गया है ना, है ना? कितना इजी था देखो, कितना इजी था देखो। बस चीजों को विजुअलाइज करना सीखो, ठीक है? बस चीजों को विजुअलाइज करना सीख लो। आगे बढ़ते हैं, देखो ये इसका आंसर दिया गया है। देखो कि लेट एक्स बी दी स्कोर स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन, लेट एक्स बी दी स्कोर स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन एंड वाई बी दी स्कोर स्कोर्ड बाय अदर बैट्समैन। 176 इज द टोटल स्कोर स्कोर्ड बाय बोथ ऑफ देम। द इक्वेशन विल बी एज फॉलोज, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 176, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 176, है ना? अच्छा, सिमिलरली एक और क्वेश्चन करेंगे, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसी तरीके का, ठीक है? इस तरीके का एक और क्वेश्चन करेंगे। कौन सा करेंगे बताओ? ये करते हैं, चलो देखो देखो आराम से, ठीक है? नहीं, ये अभी नहीं करेंगे, आराम से रुको, हम लोग आराम से सब कुछ काम करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन करते हैं, देख फ्रॉम स्टेटमेंट टू इक्वेशन। देख आराम से क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद जवाब देना है। देखो, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक नोटबुक का कॉस्ट जितना, एक पेन का कॉस्ट जितना है, अगर एक पेन के कॉस्ट को हम लोग ट्वाइस कर देंगे तो हमको नोटबुक का कॉस्ट मिल जाएगा कि नहीं? मिल जाएगा कि नहीं बिडू? मिल जाएगा कि नहीं बिडू? देख, अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ पेन को एक्स ले लेते हैं, सपोज कॉस्ट ऑफ पेन को सीपी को एक्स लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन यानी सीपी, सीपी को एक्स लेते हैं, ठीक है? एक्स लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ नोटबुक को सीएन को, सीएन को वाई लेते हैं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन, इधर बोला गया है कि ट्वाइस दी कॉस्ट ऑफ पेन। दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, यानी नोटबुक का कॉस्ट है ट्वाइस, यानी एक्स इक्वल टू टू वाई। क्या हम लोगों ने इसको शो कर दिया है? नहीं, अभी तक शो नहीं किया है, क्योंकि हमको जनरल फॉर्म में इसको, हमको, हम लोग बोल सकते हैं इसको, जनरली हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हम लोगों ने इसको शो कर दिया है। बट आपके एग्जाम में जब लिखोगे, सो ये पूरा शो नहीं हुआ है बेटा, ये पूरा शो नहीं हुआ है। हम लोग इसको लिए, हमको इसके लिए जनरल फॉर्म पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? जनरल फॉर्म पढ़ना पड़ेगा। पढ़ चुका है कि नहीं हम लोगों ने जनरल फॉर्म? पढ़ चुका है कि नहीं? देख लो, पढ़ चुका है ना, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। सो वही जनरल फॉर्म को यूज करके हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, वही जनरल फॉर्म को यूज करके हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। देख लो, एक्स इक्वल टू टू वाई, तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा? जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स माइनस टू वाई, वाई टू वाई को उधर भेज देंगे। हमको ये इंजोर करना पड़ेगा कि जो एल एच आर, सॉरी आर एच एस है, वहां पर आपका जीरो रहने वाला है, यही एंजॉर्व करके चलना पड़ेगा, और एल एच एस के अंदर आपका सारा कुछ रहने वाला है। यही होता है जनरल फॉर्म, यही होता है जनरल फॉर्म। अच्छा जी, यहाँ पर कॉन्स्टेंट दिया गया है, एक सी दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, तो प्लस एक ऐड कर देंगे, जीरो। सी को हम लोगों ने जीरो ले लिया, इक्वल टू जीरो, ठीक है? इक्वल टू जीरो, तो यही हो जाएगा आपका जवाब, यही हो जाएगा आपका जवाब। बिल्कुल क्लियर, क्लियर हो गए? बताना जरा मेरे को, क्लियर हो गए कि नहीं बेटा? बेटा बताना जरा मेरे को कि क्लियर हुआ कि नहीं? हर एक बात को ध्यान से
आराम से सुनना है आप लोगों को बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, बस आराम से आपको बातों को सुनना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। देखो एक्स माइनस टू वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, सिमिलर चीज यहीं पर दिया गया है, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। इधर आप लोग प्लस जीरो भी ऐड कर सकते हो, ना भी ऐड करो तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन बी एक्स एंड लेट वाई बी द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक विल बी टू वाई। द इक्वेशन विल बी एज फॉलोस, एक्स इक्वल टू टू वाई, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। और यही है इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज आपके लिए। ये कर दे क्या? चलो ये कर देते हैं। ये आरडी शर्मा से क्वेश्चन लाया है मैंने, ये आज पहली बार आरडी शर्मा से क्वेश्चन लाया है मैंने। आरडी शर्मा से क्वेश्चन लाया है मैंने आज, ठीक है, ओके। देखो बेटा क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। द कोस ऑफ ए द कोस ऑफ ए बॉल पेन इज रुपीज फाइव, लेस देन दी हाफ ऑफ द कोस ऑफ ए फाउंटेन पेन। ऐसे पढ़ने से कुछ भी फायदा नहीं होगा बेटा, ऐसे जैसे मैं पढ़ रहा था कुछ भी फायदा नहीं होगा ऐसे पढ़ने से। ऐसे पढ़ना है, द कोस्ट ऑफ ए बॉल पेन इज रुपीज फाइव। इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है कि एक बॉल पेन भी है उसका कॉस्ट है 5 रुपया, मात्र 5 रुपया। लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन, जो कि 5 रुपया कम है फाउंटेन पेन के हाफ ऑफ प्राइस से। तो क्या हम लोग फाउंटेन पेन के प्राइस को एक्स ले सकते हैं? क्या हम फाउंटेन पेन के प्राइस को एक्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, एक्स ले लेते हैं। अच्छा, हाफ बोला गया, उसका हाफ करेंगे बेटा, उसका हाफ करेंगे और उसमें से 5 घटाएंगे, उसमें से 5 घटाएंगे तो आंसर तो। और हम लोग कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन को क्या लेंगे? बॉल पेन के कॉस्ट को हम लोग वाई लेंगे, ठीक है, वाई लेंगे। सो वाई इक्वल टू 5 माइनस x/2, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना हमारा आंसर। अच्छा, ये पूरा आंसर नहीं निकला है बेटा, जनरल फॉर्म में जब तक आप लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर देते तो आपका पूरा आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है, आराम से करेंगे फिर से। देखो अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा सा गलती किया है मैंने, ये इसको ऐसे करते हैं हम लोग, -5, तब जाकर इक्वेशन सही है आएगा, ठीक है। देखो -5 इधर है तो इधर आकर +5 हो जाएगा, इधर आकर +5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कैसे सारे इक्वेशन को एक जगह पर लाएंगे, ठीक है। x/2, 2 को अगर उधर डालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा y +5 के साथ। मैं स्लोली इसीलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं स्लोली इसीलिए कर रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। इक्वल टू एक्स करेंगे, इक्वल टू एक्स करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्मॉल करते हैं या फिर ऊपर ऊपर लाते हैं इसको। बस देखो 2y+10 इसका आंसर आ जाएगा, 2y+10 इक्वल टू x। बेटा अब क्या करेंगे, बेटा अब क्या करेंगे? अब तो हम लोग बुरी फंसे, बुरी तरह से फंस गए, है ना? नहीं बेटा फंसे नहीं। देखो देखो x इधर है, ठीक है, x इधर है, हम लोग इसको क्या करेंगे, x की तरफ सभी इक्वेशन को भेज देंगे, x -2y -10, ठीक है, इक्वल टू जीरो। आप लोग इसको इक्वेशन को पलट कर भी लिख सकते हो, ऐसा जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अगर आप लोग करते तो इसके बाद एक स्टेप होता, 0 इक्वल टू x -2y -10, ठीक है। तो क्यों ये स्टेप करना, डायरेक्ट लिख दो, क्यों
क्यों ये स्टेप करना, डायरेक्ट लिख दो, है ना। यही है बुद्धिमानी, यही है बुद्धिमानी, यही है बुद्धिमानी, बिल्कुल ओके क्लियर। हाँ जी, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकना बेटा। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये वही इक्वेशन को इधर आंसर दिया गया है, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन बी एक्स, फाउंटेन पेन की कॉस्ट को हम लोग एक्स लेंगे, और द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन बी वाई, बॉल पेन की कॉस्ट को वाई लेंगे। द इक्वेशन विल बी एज फॉलोज, जो इक्वेशन हमारे पास जनरेट होगा वो ऐसे आ जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स बाई टू माइनस फाइव, एक्स माइनस टू वाई माइनस टेन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक है। यही वाला इक्वेशन जनरल फॉर्म में, ये कभी मत भूलना, इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखना, या फिर आपका मार्क घट जाएगा, मार्क कट जाएगा, मार्क घट जाए। ये क्या हो गया, ये इतना जल्दी थैंक यू का स्लाइड कैसे आ गया बेटा, हमको तो अभी और क्वेश्चंस करने हैं। देखो थैंक यू का स्लाइड वो गलती से आ गया था, देख लो, क्योंकि हम लोग लास्ट स्लाइड में थे। तो इसको एक काम करते हैं, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना, ओके अच्छा आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, नीचे दूर, चलो नीचे नीचे नीचे, इधर। अभी इसका जो आंसर वाला साइड है वो भी ले जाते हैं ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा नीचे। हाँ अभी, अभी क्या करेंगे, अभी ये वाला स्लाइड भी ले जाते हैं, ये वाला स्लाइड भी हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, ये वाला स्लाइड भी हम लोगों ने कर लिया है। तो आराम से यहाँ पर रखते हैं, आराम से यहाँ पर रखते हैं, ओके, और इसको भी ले जाते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, राइट। Each of the following equations in general form and indicate the values of a, b, c. बस इतना सा काम, general form में लिखो और values को indicate करो। अच्छा, इसमें तो हम लोग माहिर हैं, इसमें तो हम लोगों ने master degree प्राप्त कर ली है। देख, 2x plus 3y equal to 4.7, ये constant है, यानी c है, तो 2x plus 3y अपने जगह में रहेंगे। आपको हर वक्त ये जब क्वेश्चन आएगा कि जनरल फॉर्म में करो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि RHS हर वक्त जीरो रहेगा, राइट हैंड साइड हर वक्त जीरो रहेगा। 2x plus 3y minus 4.37, minus 4.37, ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इंडिकेट करेंगे वैल्यूज को, ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू थ्री होगी, थ्री वाई नहीं होगी, ठीक है, बी की वैल्यू थ्री होगी, थ्री वाई नहीं होगी, ओके 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 ओके। इसको मैं ना दोबारा से लिख देता हूँ ना, आपको कंफ्यूजन होगी, माइनस फोर सेवन, अच्छा 3 7 नहीं चाहिए था, इक्वल टू जीरो, इतना तगड़ा जीरो बनाने की क्या जरूरत थी, है ओके जीरो। या फिर एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट मिटा देते हैं ना, यहाँ पर तो मिटा सकते हैं, इक्वल टू जीरो, ओके ओके। देखो आराम, इसकी वैल्यू -4.37 है, यानी इसका वैल्यू थ्री सी आ जाएगा, सी आ जाएगा, इसका वैल्यू सी आ जाएगा, ओके समझ में आया, ओके ओके। एक की वैल्यू टू है, एक की वैल्यू टू है,
थोड़ा सा यहाँ पर ले आता हूँ, यानी आपको पता चल जाए। देखो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, 3 है ना, बी की वैल्यू है 3, 3, 3, 3, 3, हाँ 3, वही 3। अरे ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसका इसका वैल्यू क्या आएगा पहले बता दो, इसका आंसर क्या आएगा पहले बता दो। एक्स कांस्टेंट पहले से है, यहाँ पर वो वाला है, कौन सा वाला यहाँ पर है, यहाँ पर है हमारा वाई वाला, यानी एक्स माइनस √3 y, √3y माइनस 4, x माइनस √3y माइनस 4, ठीक है ठीक है ठीक है, इक्वल टू 0। सिमिलरली इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, सिमिलरली इसकी वैल्यूज क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी x, a की वैल्यू आएगी x, बी की वैल्यू आएगी √-√3, बी की वैल्यू आएगी -√3 है ना, बी की वैल्यू आएगी -√3, ओके ओके, सी की वैल्यू आएगी -4, मिल गया ना वैल्यूज, मिल गया ना ओके। आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो 2 है ये वाला होमवर्क में कराना, बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है ओके। आगे यहाँ पर सारे का आंसर दिया गया है, -4.3, ये सब आंसर दिया गया, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो अगर आपको आता नहीं तो। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यहाँ पर हमको 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो देखो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 3, 5y इक्वल टू, ये वाला जो चीज है ये वाला सिमिलर चीज है जनरल फॉर्म में लिखने जैसा, जनरल फॉर्म में लिखने जैसा सिमिलर चीज है, यहाँ पर बस एक्स इक्वल टू 5 है, सो एक्स ऐड करेंगे एक चीज, दैट इज 0y। क्या अगर हम लोग 0y ऐड करेंगे इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, क्या जब हम लोग 0y ऐड करेंगे इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 0y ही रहने देते हैं, 0 जैसे हम लोग जनरल फॉर्म में आ पाए, ठीक है। 0y-5, -5 इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। y का देखते हैं, चलो y सॉरी 0x प्लस y ओके इक्वल टू सॉरी -2 इक्वल टू 0, सिमिलर वे में इसको भी करेंगे, 2x प्लस 0y -3 इक्वल टू 0, इसको होमवर्क में कराना, ठीक है इसको होमवर्क में कराना ओके। आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ आंसर दिया गया है, ठीक है यहाँ पर सबका आंसर दिया गया है। आगे चलते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द जनरल फॉर्म, इनको भी जनरल फॉर्म में लिखना होगा, इसको बेटा कैसे लिखेंगे जनरल फॉर्म में, इसका जवाब दिया गया है क्या, जवाब दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, या फिर दिया गया है, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुकना भाई ये तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, आई थिंक ये तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, एक मिनट मेरे को क्रॉस चेक कर लेने दो, क्या मैंने गलत तो कुछ गलत तो नहीं लिखा है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है, इतनी क्रॉस चेक x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी बेटा आपके जनरल फॉर्म में है, बस आपको ए और बी, ए बी सी का वैल्यूज इंडिकेट करना है, ए की वैल्यू इधर है एक्स, ए की वैल्यू है इधर एक्स,
और बी की वैल्यू है -1/5। कैसे है -1/5? कैसे पता चला? जब हम लोग -1/5 के साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको y/5 मिलेगा, -y/5 मिलेगा। हाँ अभी नंबर सी पर चलते हैं। सी का हमको फिर से माइनस बताए टेन वो कौन सा सी का वाला? माइनस टेन ओके 3x+2 का देखते हैं। यहाँ पर 3x y नहीं है, यानी एक वाई ऐड करना पड़ेगा, +0y+2। क्या बन गया, क्या बन गया? =0। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? a की वैल्यू हमको मिल गई 3, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है 2। c की वैल्यू है 2। अच्छा अब इसको तो आप लोग आराम से सॉल्व कर दोगे। इसको देखते हैं, चलो 2x+5y ठीक है -0=0, माइनस नहीं +0 ठीक है, +0=0। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 2x, ए की वैल्यू है 2x। वाई की वैल्यू कितना, बी की वैल्यू कितना है? 2x नहीं है ठीक है, ये 2x नहीं है, ये है ओनली 2, ओनली 2 2। और ये बी की वैल्यू है 5 और ये सी की वैल्यू है 0 ठीक है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेना। आगे चलते हैं बेटा, इसी के साथ आपका जो ये वाला हमारा लेक्चर है कंप्लीट होता है इसी के साथ। और आज थोड़ा सा लेंदी लेक्चर नहीं था ठीक है, बिल्कुल भी लेंदी लेक्चर नहीं था आज, 1 घंटा, हाँ 1 घंटा के अंदर आज आपका कंप्लीट हो गया है लेक्चर सक्सेसफुली। और इसीलिए मैंने आज बहुत ज्यादा थोड़ा सा चीज आपके लिए लाया था बस। और नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल ठीक है। आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन में हमको बता देना, आपके जो भी डाउट है। बाकी आप लोग डाउट पोर्टल में डाल सकते हो, टेलीग्राम पर अगर हो, यूट्यूब पर अगर हो, कमेंट सेक्शन पर डाल सकते हो, या फिर अगर आप लोग हमारे वेबसाइट पर हो तो आप लोग हमारे कम्युनिटी फीचर के अंदर जाकर कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो ठीक है, डाउट पूछ सकते हो। आपके डाउट का अति शीघ्र से अति शीघ्र आपका आंसर दे दिया जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया। आगे चल लिए, हाँ आगे चलो भाई, आगे चलो। जितना भी डाउट है सब कुछ पूछ लेना, डाउट अपने अंदर मत रखना, या फिर आपका डाउट आपके डाउट ही डाउट की तरह ही रह जाएगा। लास्ट 2 मिनट के अंदर मैं कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ ठीक है, लास्ट 2 मिनट के अंदर मैं कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, इसके बाद बस 2 चैप्टर के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे ठीक है। इसके 2 चैप्टर के बाद हम लोग बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। इसके बाद हम लोग का बस एक ही लेक्चर होगा, दैट इज हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन। बहुत ज्यादा शॉर्ट लेक्चर होगा वो भी ठीक है, इसी का, इक्वेशन सॉल्विंग का ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, उसके बाद हीरोन फॉर्मूला करेंगे ठीक है। यूक्लिड ज्योमेट्री के बाद हीरोन फॉर्मूला करेंगे और उसके बाद हम लोग जाकर लाइन एंड एंगल करेंगे ठीक है। हीरोन फॉर्मूला से, हीरोन फॉर्मूला के बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स ठीक है। ओके सो बात सब कुछ क्लियर है, अगर कुछ भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हो, नमन भैया आपका डाउट आंसर कर देंगे ठीक है। वेबसाइट को जितना चाहे उतना यूज करिए ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम है आप लोग हमको रिपोर्ट करिए टेलीग्राम के अंदर ठीक है। आपको सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लेना। तो हम लोग मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड हैव ए गुड डे अहेड, स्टे ट्यून्ड विद द वंडरिंग, बाय बाय।